Hello viewers, today we are going to discuss about gallbladder surgery. Gallbladder surgery के बारे में discuss करेंगे और इस operation कौन सा होता है, कितने types होती हैं और इसके बाद इसके आगे after operation care and home care क्या है. तो gallbladder surgery ये उन patient में होती है, gallbladder ये पित्ता जो होता है, पित्ते या तो उसमें पथरी हो या फिर और भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, उसकी सर्जरी की हम वीडियो जल्द ही अपलोड करेंगे कि इसका ऑपरेशन कैसे करते हैं. और ये आज हम इसके बारे में ये डिस्कस हम आपको रफली सा या थोड़ा सा रफ सा आइडिया देंगे कि ये दो तरीके से ऑपरेशन किया जा सकता है. या तो ओपन टेक्निक होती है जिसमें कि एक सिंगल कट देते हैं इस एरिए में, पित्ता इस जगह पे होता है ना, जो गॉल ब्लैडर होता है वो इस एरिए में होता है. तो या तो सिंगल कट से ओपन कोलीसिस्टेक्टमी करते हैं या फिर लेप्रोस्कोपिक कोलीसिस्टेक्टमी करते हैं, जो कि कैमरे वाला ऑपरेशन है, जिसको लोग ज्यादातर मिस कंसेप्शन है कि लोग कहते हैं कि लेजर वाला ऑपरेशन. इट्स नॉट अ लेजर ऑपरेशन, इट्स अ लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन और ये कैमरे वाला ऑपरेशन होता है. उसमें एक कैमरा की पोर्ट आप नाफ में डालते हैं जिसमें कैमरा होता है, दूसरा इस जगह पे जो एपिगैस्ट्रियम होता है, ज़िफी स्टर्नम होता है, मेदा जिस एरिया में होता है उस एरिया में एक हम पोर्ट डालते हैं जिसके थ्रू हम फिर जो इसमें पित्ता है इसको पित्ते को पकड़ने के लिए उसमें काम करने के लिए एक पोर्ट हम इस सब डालते हैं. तीन सुराख, छोटे छोटे तीन सुराख होंगे. कॉस्मेटिकली बहुत अच्छा होता है ये. और ओपन सर्जरी में हर्निया बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसमें हर्निया बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं. तो हर ऑपरेशन के प्रॉस एंड कॉन्स हैं जो कि पेशेंट से डिस्कस करके जो प्रेफरेबल होता है पेशेंट उसको चूज करता है, देन योर सर्जन परफॉर्म ऑन यू फॉर दिस सर्जरी. कोलीसिस्टेक्टमी करता है और ये पित्ता आपका रिमूव करता है. गुर्दे में पथरी हो तो उसमें से सिर्फ पथरी निकाली जाती है, क्योंकि गुर्दा खुद फंक्शन कर रहा है, आपका फिल्टर कर रहा है, आपके ब्लड को फिल्टर कर रहा है, उसमें से यूरिन निकाल रहा है और उसमें पथरी निकाल के उसका एनालिसिस करते हैं कि ये पथरी क्यों बनी थी, जो कि लीवर खाने, जिगर, तिल्ली खाने से, लीवर खाने से, फिर दूसरे मीट प्रोडक्ट्स खाने से, टमाटर खाने से, इन चीज़ों से होता है. वो देखते हैं कि वो पथरी किस चीज़ की ज़्यादा बनी है. तो उसका ये होता है कि वो चीज़ें अगर प्रिवेंट की जाएँ तो पेशेंट में दोबारा पथरी नहीं बनती. तो उसमें हमने गुर्दा नहीं निकालना, क्योंकि गुर्दा के अलावा बॉडी फंक्शन नहीं कर सकेगी, ब्लड फिल्टर नहीं हो सकेगा, यूरिन प्रोड्यूस नहीं हो सकेगा, आपके ब्लड में जो डेंजरस और वेस्ट मटेरियल है वो फिल्टर नहीं हो सकेगा. लेकिन जो पित्ता है, गॉल ब्लैडर है, इसमें जो पथरी बनती है ये इस पित्ते में प्रॉब्लम आ जाता है. पित्ते का फंक्शन होता है बाइल, जो जिगर में जो पानी बन रहा होता है वो ऐसा पानी होता है जो चर्बी को हजम करने में काम आता है. और ये जो पानी बन रहा होता है ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, पित्ते में स्टोर होता है. और जैसे ही हम फिर फैटी मील लेते हैं, फैट जिसमें होती है, चिकनाई वाली चीज़ें होती हैं, तली हुई चीज़ें, वो जब लेते हैं तो ये पित्ता सिकुड़ता है. इसमें से जो पानी इकट्ठा होता है, जो जिगर बना रहा होता है, पित्ता नहीं बना रहा होता, वो फिर अंतड़ियों में जाता है और वो हजम करने में काम आता है. अब ये होता है कि पित्ता अपना जो फंक्शन था, इसने जो पानी जब आता है ना जिगर से, इसको कंसंट्रेट कर देता है, इसमें से पानी जज्ब कर देता है, थोड़ा सा पानी जज्ब कर देता है, बाकी इसका एक खास हालत में इसको महलूल बना के रखता है. लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा काम, अब इसका फंक्शन डिस्टर्ब हो गया, ये अपना काम नहीं कर रहा, तो ये होगा कि वही पानी जो इसमें आके स्टोर हो रहा था वो अब पथरी में चेंज हो रहा है. तो इसका ये नुकसान होगा कि अगर हम ऐसे भी तो कह सकते हैं, जैसे गुर्दे में से सिर्फ पथरी निकालते हैं, इसमें से भी हम पथरी निकाल दें, सिर्फ इसमें से अगर हम पथरी निकालेंगे तो फिर, क्योंकि पित्ते की वजह से ही तो पथरी बन रही थी, वो पित्ता वहीं पे है तो वो दोबारा इसको पथरी में चेंज कर देगा, उस पानी को जो जिगर बना रहा है. तो इसलिए इसका ऑपरेशन, इसको निकालते हैं, कम्प्लीटली निकालते हैं, ओपन से निकालेंगे या फिर कैमरे वाले ऑपरेशन से, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से निकालेंगे. अब आपका ऑपरेशन हो गया, डिस्चार्ज करते वक्त आपका जो सर्जन है वो आपको कुछ मेडिकेशन देगा, क्योंकि ये क्लीन कंटेमिनेटेड वुंड है, इसमें सीबीडी या जो नाली होती है वो एक्सपोज होती है, तो उसमें ये होता है कि हमें थेरापेटिक लेवल ऑफ एंटीबायोटिक्स देंगे आपको, आपका जो सर्जन है 5 to 7 days के लिए आप मेडिकेशन एंटीबायोटिक्स लेंगे. एनसिड्स आपको पेन किलर भी दे सकते हैं, जो है एनसिड्स दे सकते हैं पेन किलर में, या फिर पैरासिटामोल दे सकते हैं, और जितनी देर के लिए रिक्वायर्ड होगी, जितना देर आपको पेन रिलीव होगा उतने दिन तक आपने ये
पेन मेडिकेशन भी लेनी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ड्रेसिंग की, इसकी वोन केयर कैसी है, ड्रेसिंग कैसे करनी है। फर्स्ट ड्रेसिंग हमने जैसे पहले आपको हनिया की सब्जी में बताया था कि फर्स्ट ड्रेसिंग हीलिंग को प्रमोट करने के लिए, हीलिंग प्रोसेस अपनी इब्तदाई हालत में होता है, तो फर्स्ट ड्रेसिंग आपने 48 to 72 hours के बाद करनी है। और ड्रेसिंग के बाद आपने क्या करना है कि वो ड्रेसिंग जब हो गई 5 दिन से आपने ड्रेसिंग करनी है, फिर डेली ड्रेसिंग आप इसकी करते रहेंगे और ये ड्रेसिंग तब तक करेंगे जब तक हीलिंग प्रोसेस स्किन वाला नहीं हो जाता। और स्टिचेस फिर आपने दोबारा अपने डॉक्टर से रब्ता करना है कि विल यू नो सेंड फॉर यू आफ्टर 5 to 7 days और 7 to 10 days ये स्टिचेस रिमूव करने के लिए। आप फॉलो अप में दोबारा वजन, आप जो वुंड है वुंड को देखेंगे, अगर रेड है, अगर वो ख़राब है, तो फिर स्टिचेस थोड़ा सा लेट भी, मैक्सिमम 10 days तक ये स्टिचेस होते हैं जो ये रिमूव हो जाते हैं। इसके बाद हम अब बात करते हैं कि एक्टिविटी कब रिज्यूम करनी है। एक्टिविटी रिज्यूम का सेम फार्मूला है एज वी हैव डिस्कस विद यू इन हर्निया सर्जरी की होम केयर में। इसमें भी आपको, अगर तो आप टायर्ड हैं तो आपने रेस्ट करना है और इसके बाद आपने ग्रेजुअली अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज करना है। जितने आज आपने वॉक की है उतनी आप उससे ज़्यादा आपने वॉक अगले दिन करनी है, काम आपने इसी तरह करना है। जो ओपन सर्जरी होती है उसमें फुल जो एक्टिविटी रिज्यूम कर सकता है पेशेंट वो इट टेक्स 4 to 6 weeks, जबकि जो लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी होती है उसमें जो एक्टिविटी रिज्यूम है वो 1 to 2 weeks तक अपनी एक्टिविटी रिज्यूम कर लेते हैं। तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का एक बेनिफिट ये भी है कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में एक्टिविटी रिज्यूम बहुत फास्ट होती है, रिकवरी बहुत इन्हेंस्ड होती है, अर्ली रिकवरी होती है, हॉस्पिटल स्टे भी बहुत शॉर्ट होता है। जबकि जो ओपन कोलेसिस्टेक्टमी है, जो ओपन टेक्निक से बड़े इंसिजन से करते हैं, उसमें हॉस्पिटल स्टे भी इंक्रीज हो जाता है, पेन भी उसी तरह बहुत ज़्यादा रहता है, हॉस्पिटल में 2 to 3 दिन के लिए स्टे करना पड़ सकता है। उसके बाद आप अपनी जो एक्टिविटी रिज्यूम करनी वो भी 1-2 हफ्ते लग जाएंगे, और कम्प्लीटली एक्टिविटी रिज्यूम करने के लिए आपको 4 to 6 हफ्ते लग सकते हैं। अब और एक बात है कि हम ड्राइविंग कब रिज्यूम करें, 1 to 2 weeks तक तो आपने ड्राइविंग रिज्यूम नहीं करनी, उसके बाद आपने सेल्फ टेस्ट करना है। गाड़ी में बैठे हैं और इंजन स्टार्ट किए बगैर आप ब्रेक सप्लाई करें या फिर आप रेस वाले पैडल को प्रेस करें, इफ़ यू आर फीलिंग पेन और इफ़ यू आर फीलिंग अनकम्फर्टेबल, तो आपने अपनी ड्राइविंग रिज्यूम नहीं करनी है। आपने ड्राइविंग रिज्यूम नहीं करनी अगर आप पेन किलर ले रहे हैं, सेडेटिव पेन किलर्स भी होते हैं, और कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, आपने ड्राइविंग रिज्यूम नहीं करनी। और अगर आप पेन मेडिकेशन के अलावा आप अगर पेनफुल है एरिया और इस पर स्ट्रेस पड़ती है, ये आपने उस वक्त तक ड्राइविंग नहीं करनी, क्योंकि आप इतना कंफर्टेबल हों कि इफ़ यू हैव टू अप्लाई एमरजेंसी ब्रेक्स तो देन यू आर एबल टू अप्लाई दोज ब्रेक्स विदाउट एनी डिसकम्फर्ट। और फिर ये होता है कि अगर रश वाले एरिया में अगर आपको ड्राइव करना पड़े तो आप ज़्यादा देर के लिए वहाँ पे स्टे करना पड़ता है गाड़ी के अंदर, तो वो भी अनकम्फर्टेबल होता है और पेनफुल होता है। तो शुरू के दिन में इफ़ यू वांट टू ट्रैवल तो आप यू शुड हैव योर असिस्टेंट आर ड्राइवर, इवन पे डॉक्टर को फॉलो अप करना है तो आपको जो असिस्टेंट है वो लेकर ड्राइव करके आपको डॉक्टर के पास ले करें। स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज आपने नहीं करनी, रनिंग, जॉगिंग और फुटबॉल, क्रिकेट और आपने सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी हैं, तो ये प्रोसेस तो वही है, लेकिन पहले आपने 1 month तक आपने एहतियात करनी है। और अदरवाइज ये है कि पेशेंट का जो वुंड जो हील होता है वो तो इट विल टेक 3 months जो रिमॉडलिंग फेज होती है, इतने अरसे तक आपने स्ट्रेनस एक्सरसाइजेस से, एक्टिविटीज से परहेज करना है। अब मेन जो हम आप इस वीडियो में आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, जो अक्सर हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम अब ऑपरेशन के बाद कब खाएं, क्या खाएं, कैसे खाएं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो में, आफ्टर कोलेसिस्टेक्टमी डाइट का जो टॉपिक है। अब ये है कि आपने डाइट फर्स्ट 2 to 3 days के लिए आप यू शुड बी ऑन लिक्विड डाइट, क्लियर लिक्विड फ्लूइड लेने हैं, या फिर आप यखनी ले सकते हैं और क्लियर फ्लूइड लेने हैं, जूसेस ले सकते हैं शुरू के दिनों में। तो उसके बाद मेन रूल इज टेक स्मॉलर अमाउंट ऑफ मील्स एंड यू कैन टेक फ्रीक्वेंट मील्स, आप थोड़े थोड़े लें लेकिन फ्रीक्वेंट ले सकते हैं जितनी आपको भूख लगे। अगर आप 3 times खाते थे तो 6 times खा सकते हैं,
लेकिन आपने फ्यूअर मील्स और बल्क में नहीं लेना, एक टाइम में ज़्यादा नहीं खाना और एक टाइम और ये नहीं है कि एकदम ही आपने अपना पेट भर लेना है। ये तो जनरल सी इंडिकेशन हो गई कि आपने कैसे खाना स्टार्ट करना है। गो स्लो, ग्रेजुअली यू विल एडजस्ट, योर बॉडी विल एडजस्ट। अब एक इसमें है कि कौन सी डाइट से परहेज करना चाहिए, कोई सेट पैटर्न नहीं है, कोई सेट डाइट प्लान नहीं है आफ्टर गॉल ब्लैडर रिमूवल और सर्जरी। बट ये है कि फैटी मील्स जो होते हैं, द मील विच इज रिच इन फैट, ये आपने उससे आपने परहेज करना है। वो कैसे परहेज करना है, तो इस तरह ये है कि आपने अगर फैटी मील ज़्यादा ले लिया तो जिगर जो पानी बना रहा है, जो बाइल बना रहा है, वो फैट को ही उसको हजम करने के काम आता है। लेकिन पहले फंक्शन ये था कि पहले गॉल ब्लैडर में ही स्टोर हुआ होता था, जैसे फैटी मील हमारे अंतरियों में जाता है तो जो गॉल ब्लैडर वाला जो पानी होता है, जो बाइल होता है, वो उसे मैसेज मिलता है, वो कंट्रैक्ट करता है, वो अंतरियों में आता है और वो खुराक को हजम करने में मदद देता है। लेकिन अगर आपने अब फैटी मील आपने ले लिया ज़्यादा, उससे नुकसान ये होगा कि उसका नुकसान ये होना है कि आपका अब वो स्टोर वाला तो पानी है नहीं, जो कि समझ लें कि बाल्टी में भरा हुआ था, अब ऐसे कि एक नल है, टैप है, उसमें से कतरा कतरा गिर रहा है। अब अगर आपने ज़्यादा ले लिया और उधर से बाइल थोड़ा आएगा तो उसका नुकसान ये होगा कि जो हिस्सा तो फैट वाला हजम हो जाएगा, वो तो हजम हो जाएगा, बाकी जो होगा वो अनडाइजेस्टेड, वो बाहर पास आउट हो जाएगा और ग्रीजी और लेसदार डायरिया हो सकता है अगर आपने फैट वाली डाइट ज़्यादा लेना शुरू कर दी शुरू के दिनों में ही। तो वक्त के साथ साथ ये एडजस्ट हो जाएगा। और अब फैट वाली डाइट कौन सी है, जो भी फैट वाली जैसे चिप्स हो गए, पोटैटो चिप्स हो गए, तली हुई चीज़ें हैं, इनसे परहेज करना है। और दूसरा यह कि फैटी जो मीट होता है, फैट रिच मीट होता है जिसमें बीफ है, उससे आपने परहेज करना है। और इसके बाद यह है कि जो फैट रिच डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें आइसक्रीम है, जिसमें के दूध है, जिसमें के आप, दूसरा यह है कि आपने पिज़्ज़ा नहीं लेना, पिज़्ज़ा में भी फैट बहुत ज़्यादा कंटेंट होते हैं उसके। इसके बाद आपने क्या नहीं लेना, हम आपको बताएं कि जो मीट ग्रेवीज हैं, जो सालन है, शोरबे वाला सालन है, उसमें भी क्योंकि हमारे इधर एरियाज में यह है कि फैट होती है, जो घी होता है, जो ऑयल होता है, वो यूज़ करते हैं, तो उससे भी आपने परहेज़ करना है। इसके बाद आपने चॉकलेट से परहेज़ करना है। ये ऐसे हमने रफली आपको बता दिया है, यू कैन ऑल्सो सर्च बाई योर सेल्फ के फैट रिच फूड कौन से हैं, उससे आपने परहेज़ करना है। तो कौन से डाइट लें, फिर आपने ऐसी डाइट लेनी है जो कि रिच इन फाइबर हो और जो कि प्रोटीन ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं कि आप वेजिटेबल ले सकते हैं और आप फ्रूट्स ले सकते हैं। और इसमें आप कौन कौन सी डाइट हैं, इसमें लेनी आपने स्मॉल और फ्रीक्वेंट डाइट लेनी है। अब आप मीट ले सकते हैं जो कि लेस फैट के साथ होता है, जिसमें कि पोल्ट्री है, पोल्ट्री वाला मीट आप ले सकते हैं। आप फिश ले सकते हैं, फिश वाला जो मीट है वो आप ले सकते हैं, जो फिश है, ये भी इट्स नॉट गोइंग टू कॉज एनी प्रॉब्लम एज फार एज इनडाइजेशन और फ्लैटनेस इज कंसर्न। और क्या ले सकते हैं कि आप जो बीन्स हैं वो ले सकते हैं, जो पल्सेस हैं वो ले सकते हैं, होल ग्रेन भी आप वक्त के साथ साथ आप चपाती भी लेना शुरू कर देते हैं। ये तो रफ आइडिया था कि जो फूड आप ले सकते हैं, हमने बताया जो फूड आप नहीं ले सकते। तो होल मैसेज इन दिस डाइट प्लान इज कि यू कैन टेक स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स एंड अवॉइड बल्क एंड लेस फ्रीक्वेंट मील्स और गो स्लो, गो ईजी ऑन योर डाइट। और अब हम क्या एक बात करेंगे कि क्या इसमें डायरिया हो सकता है। पेशेंट अक्सर कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर साहब मैं, मुझे डायरिया है, लूज मोशन स्टार्ट हो गए हैं जब से मैंने ऑपरेशन करवाया है। बिल्कुल हो सकता है, के पीछे साइंस वही सेम है कि जिगर में से जो पानी बन रहा है, जो बाइल बन रही है, वो जिगर की नाली के थ्रू अब स्टोरेज एरिया में नहीं जा रही, डायरेक्टली इंटेस्टाइन में आपकी अंतड़ियों में जा रही है। अब वो ब्रेक सी नाली है जबकि गॉल ब्लैडर पूरा एक स्टोरेज फंक्शन था। लेकिन ये है कि अब डायरिया क्यों होगा, डायरिया इसलिए होगा कि जितना तो हिस्सा उसने लिया और आपने फैटी मील ज़्यादा ले लिया, जितनी बाइल थी उसने तो उस एरिया पोर्शन को तो हजम कर लिया, बाकी जो होगा वो एज सच पास आउट हो जाएगा, इनडाइजेशन होगी, दिल
मेबे का फ्रा होगा और हाजमा नहीं होगा और लेसदार डायरिया स्टार्ट हो जाएगा। जबकि ये है कि वक्त के साथ साथ ये एडजस्ट कर जाता है। वक्त के साथ साथ कैसे 2 to 3 months लगते हैं, ये जो जिगर की नाली होती है ये फिर वक्त के साथ साथ ये फूल जाती है और ये इतनी स्पेशियस हो जाती है कि अब वो जितनी बाइल उसमें गॉलब्लैडर में स्टोर हो रही थी अब वो इस यहाँ से पास आउट हो रही होती है, यहाँ पे स्टोर होना शुरू हो रही होती है और ये फिर हमारा ये प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। तो शुरू में आपने फैटी मील कम लेने, वक्त के साथ साथ जितना आपको आपकी बॉडी एडजस्ट करती जाएगी आप फैटी मील ज्यादा ले सकते हैं। लेकिन अगर डायरिया का प्रॉब्लम प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए रहता है तो आपका जो डॉक्टर है आपको एडवाइस कर सकता है कि जो गट की मोटिलिटी को उसकी जो हरकत को ज्यादा बढ़ा देती हैं वो और उनकी हरकत को जो कम कर देती हैं वो वाली मेडिसिन आप फिर आपको एडवाइस करते हैं। फॉर एग्जांपल लोप्रामाइड दे सकते हैं। सॉरी, इसके साथ अगर ये क्योंकि मेल अब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगी और इसमें आपके जो विटामिंस हैं वो जो फैट सॉल्युबल विटामिंस हैं वो भी वेस्ट होना शुरू हो जाएंगे तो उसको ओवरकम करने के लिए आपको मल्टीविटामिन भी एडवाइस कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक ये है कि अक्सर पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब हम जिस तरफ ऑपरेशन हुआ है उस तरफ हम करवट ले सकते हैं, तो शुरू में तो आपको नहीं लेनी चाहिए, 1 to 2 weeks तक आप उसे करवट ना लें, सीधा लेट सकते हैं, दूसरी तरफ करवट ले सकते हैं। अगर आप लेना भी चाहते हैं तो एक सपोर्ट होनी चाहिए। कहाँ पे सपोर्ट होनी चाहिए? आपके एंकल और नीज के दरमियान में एक सपोर्टिंग कुशन होना चाहिए तो आप उस तरफ लेट सकते हैं और सो सकते हैं। थैंक यू सो मच, आज ये हमारी वीडियो यहाँ पे हम एंड करते हैं। आपको कोई क्वेश्चन है, कोई आप इस बारे में कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं। वी विल गेट बैक टू यू और हम कोशिश करेंगे कि आपको उसका आंसर दें। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो हम आपको सेंड कर सकें।